तो आज के समय में सब लोग चाहते हैं कि ऑनलाइन अर्निंग करें, ज़्यादा मेहनत ना करें, थोड़ा सा मेहनत में ही काफ़ी अच्छे रेवेन्यू जनरेट कर लें। और ऐसा पॉसिबल है यूनिटी एड्स के थ्रू या फिर कोई भी एड नेटवर्क जो कि अवेलेबल है, ठीक है। चाहे वो एडमॉब हो गया, चाहे वो स्टार्टअप हो गया, ऐप नेक्स्ट हो गया, फेसबुक एड्स हो गया, फिर से यूनिटी एड्स हो गया, आइडन सोर्स हो गया, इन मॉबी हो गया, चाहे जितने भी तरह के एड नेटवर्क है, सबका एक ही मतलब है कि आप लोग वहाँ से अच्छा से अर्निंग कर लेंगे, ठीक है। तो ये जो वीडियो है इसमें मैं बताऊंगा कि आप लोग कैसे यूनिटी एड से अच्छा पैसा कमा सकते हैं, यूनिटी एड्स क्या होता है, कैसे रेवेन्यू मिलता है, यूनिटी एड्स पे क्या क्या चीज़ का ध्यान रखा जाता है, किस किस टाइप के एप्लीकेशन बनते हैं, और ये बहुत सारी बात करूँगा जो कि काफ़ी बेहतरीन होगा, ठीक है। और साथ में वो आपके एक्सपीरियंस को और ही बढ़ा देगा। अगर आप बिगिनर हैं तो भी आप वीडियो को देख सकते हैं, चाहे आप अगर प्रोफेशनल हैं तो भी देख सकते हैं, ठीक है। ये वीडियो का आपने देखा होगा थंबनेल पे लिखा होगा 0 to Hero, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि ये वीडियो आपका एकदम बेसिक गाइड होगा और ये कंप्लीट गाइड होगा, ठीक है। मैं सब कुछ बताऊंगा कि यूनिटी एड्स में आप लोग को कैसे वर्क करना है, यूनिटी एड्स होता क्या है, एड नेटवर्क क्या होता है, उसमें आप लोग क्या क्या करते हैं, क्यों पैसा देता है, क्या होता है, सब कुछ मैं आपको इसमें बता दूंगा। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो सबसे शुरू में मैं ये बताना चाहता हूँ कि एड नेटवर्क क्या होता है। अगर आप लोग को अर्निंग करना है एड नेटवर्क से तो आप लोग को जानना पड़ेगा कि एड नेटवर्क होता क्या है, यहाँ पे आप लोग को क्यों पैसा दिया जा रहा है, ठीक है। आप लोग यहाँ से कैसे रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। तो सबसे बड़ी चीज़ एड नेटवर्क क्या होता है। तो ऐड नेटवर्क ये होता है, मान लीजिए कि आपका कोई एप्लीकेशन है या फिर आपका कोई वेबसाइट है, ठीक है, वहाँ पे दूसरे कंपनी के एड्स चलेंगे जिससे आपको रेवेन्यू जनरेट होगा, ठीक है। और यहाँ पे जो एड्स आते हैं वो यूनिटी के हो सकते हैं, एडमॉब के हो सकते हैं, फेसबुक एड्स या कोई भी प्लेटफॉर्म, ये आप पे निर्भर करता है कि आप किसके एड्स को चलवाना चाहते हैं। अगर आपका कोई एप्लीकेशन है और चाहते हैं आप उसमें यूनिटी के एड्स चलवाएं तो बिल्कुल आप करवा सकते हैं, ठीक है। तो अगर आप लोग भी कोई एप्लीकेशन यूज़ करते होंगे तो उसमें आपने देखा होगा कि कुछ समय बाद उसमें कुछ प्रचार आते हैं, ठीक है, कुछ एड्स आते हैं। और इससे होता क्या है, आप लोगों ने सोचा होगा कि ये तो प्रचार आ रहा है तो इसमें हो क्या रहा है, ठीक है। एक्चुअली ये रेवेन्यू जनरेट सोर्स का काम करता है उन लोग के लिए जो इसके मालिक हैं, ठीक है। मान लीजिए कि मेरा एप्लीकेशन है, मैं उसका मालिक हूँ, मैंने डेवलप करवाया या फिर मैंने बनाया एप्लीकेशन को, उसमें मैंने एड्स लगा दिए और वो एप्लीकेशन आपको दे दिया, ठीक है। और जो आप वो एप्लीकेशन को यूज़ करेंगे तो उसमें क्या होगा कि मुझे पैसे मिलेंगे, ठीक है। तो सबसे बड़ा चीज़ यही होता है, यही इनकम सोर्स होता है एप्लीकेशन के द्वारा। लोग बहुत बड़ी बड़ी बात बोलते हैं ना कि एप्लीकेशन बना लो और पैसा कमाओ, तो एप्लीकेशन बनाने से ही पैसा नहीं होता है, जब तक उसमें एड्स नहीं लगेगा आप लोग पैसा नहीं कमा सकते, ठीक है। तो उसमें काफ़ी ज़रूरी होता है कि एड्स लगा लीजिए और आपका फिर पैसा आप लोग आराम से कमा लेंगे, ठीक है। अब बात कर लेते हैं यूनिटी एड्स को ही क्यों चुने, और भी तो आप चुन सकते हैं, लेकिन यूनिटी एड्स का बहुत सारा फीचर्स इसमें ये प्रोवाइड करते हैं। मैंने इस पर एक डिटेल्ड वीडियो बनाया हुआ है, ठीक है, लेकिन इसमें भी मैं कुछ करूँगा कि कोशिश करूँगा कि इसमें सब क्लियर कर दूँ, ठीक है। एक्चुअली जो यूनिटी एड्स है वो एक CPI नेटवर्क है। CPI नेटवर्क मतलब होता है कॉस्ट पर इंस्टॉलेशन, ठीक है। आपके एप्लीकेशन में अगर आपने यूनिटी एड्स लगाए हुए हैं और यहाँ पे आपने अगर क्लिक करके इंस्टॉल किया कोई भी एप्लीकेशन को जो प्रचार आ रहे हैं, ठीक है, तो उसका बदले आपको पैसा मिलेगा, ठीक है। आपका एप्लीकेशन है, यूनिटी के एड्स रन हो रहे हैं और वो मेनली गेम एप्लीकेशन के एड्स होते हैं, ठीक है, और उस गेम एड्स पे आपने क्लिक किया, उसको डाउनलोड करके इंस्टॉल किया तो आपको उसके बदला रेवेन्यू मिलेगा, ठीक है। आपको नहीं, मतलब कि जो एप्लीकेशन का मालिक होगा उसको, ठीक है। तो आप भी डेवलप करवा सकते हैं और आप भी मालिक बन सकते हैं, उसमें चिंता करने की कोई बात नहीं है, ठीक है। ये तो बात हो गया यूनिटी एड्स को ही क्यों चुने, और इसका बहुत सारा फीचर है, जैसा कि इसका जो ECPM है काफ़ी ज़्यादा हाई रहता है जो कि काफ़ी अच्छा अर्निंग देता है। इसमें आप लोग कुछ केसेस में देखेंगे कि आपको डाउनलोड करने का $2 to $3 तक पे किया जाता है, ठीक है। ये सब भी काफ़ी बेहतरीन फीचर्स दिए जाते हैं। जो इसका पे आउट का टाइम होता है वो 60 days का होता है, वो सभी मैं बताऊँगा, लेकिन अभी जो मैं बताऊँगा वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। इस पे मैंने काफ़ी वीडियो बनाया हुआ है, पेमेंट प्रूफ से लेके अर्निंग प्रूफ, फिर से विड्रॉ प्रूफ
और ये बहुत सारे वीडियो मैंने बनाया हुआ है, ठीक है। तो वो सब आप जाके चेकआउट कर लीजिएगा। और आगे बढ़ते बढ़ते मैं ये बताऊँगा कि यूनिटी एड्स जो है सबसे ज़्यादा यूज़ किए जाने वाला एड नेटवर्क है। जितना पैसा भी यूनिटी एड्स देता है शायद उतना पैसा कोई देता होगा। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि और एड नेटवर्क ख़राब है, ऐसा मैं बिल्कुल नहीं बोल रहा हूँ। यूनिटी एड्स के साथ साथ अगर आप बात करेंगे तो फेसबुक एड्स भी है काफ़ी ज़्यादा अच्छा, और फिर से एडमोब एड्स भी है। एडमोब एड्स सबसे ज़्यादा पैसा देता है, लेकिन यूनिटी एड्स भी कुछ कम नहीं है, ठीक है। तो बात कर लेते हैं कि आप लोग यूनिटी एड से पैसा कमाएंगे कैसे। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने नंबर दे दिया डेवलपर टीम का, आप जाइए उनसे कॉन्टैक्ट कीजिए। कोई भी एप्लीकेशन बनवा सकते हैं, चाहे वो आप टास्क रनिंग बनवा सकते हैं, या फिर अगर आपको आपके पास कोई यूज़र नहीं है, अगर आप चाहते हैं कि मैं अपने ग्रुप में ही या फिर खुद से ही अर्निंग करूं, तो आप सेल्फ अर्निंग एप्लीकेशन बनवा सकते हैं, ठीक है। ऑडियंस नेटवर्क के लिए सब तरह के एप्लीकेशन बन जाएंगे, जैसे कि टास्क अर्निंग एप्लीकेशन हो गया, शायरी एप्लीकेशन हो गया, ब्राउज़र एप्लीकेशन हो गया, न्यूज़ एप्लीकेशन हो गया, और भी बहुत सारे एप्लीकेशन बन जाएंगे, ठीक है। सेल्फ क्लिकिंग के लिए मेनली जो एप्लीकेशन है सुपर सीपीसी प्रो, उसमें क्या होगा कि आपके एड्स चलेंगे, आपको अपना यूनिटी आईडी डालना होगा, आपके एड्स चलेंगे और आपको उसको डाउनलोड करना होगा, बस इतना ही करना है और आपका काम हो जाएगा, रेवेन्यू काफ़ी अच्छा जनरेट होगा, ठीक है। इतना तो मैंने आपको क्लियर कर दिया कि यूनिटी एड्स से आप लोग पैसा कैसे कमा सकते हैं। काफ़ी बेहतरीन है, 24 आवर्स के अंदर आपका अपडेट हो जाता है, रेवेन्यू आपका जनरेट हो जाता है, ठीक है। काफ़ी इजी प्रोसेस होगा, मैं फुल आपको गाइड भी कर दूंगा। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स वाले जो नंबर दिया है उस पे जाके आप कॉन्टैक्ट कर लीजिए, एक एप्लीकेशन बनवा लीजिए। और जो एप्लीकेशन का प्राइस है काफ़ी चीप प्राइस है, बिल्कुल इतना चीप प्राइस है कि कोई भी उस पर अफोर्ड कर सकता है, ठीक है। तो जाइए कॉन्टैक्ट कीजिए डेवलपर टीम से, एक एप्लीकेशन बनवा लीजिए, कोई भी एप्लीकेशन, चाहे वो ऑडियंस नेटवर्क हो, चाहे वो सेल्फ क्लिकिंग एप्लीकेशन हो, ठीक है। बस इतना ही करवा लीजिए, एड्स लगवा लीजिए, चाहे किसी भी एड नेटवर्क के ऐप लगवा सकते हैं, ठीक है। बस इतना ही करना है, बाकी वो भी आपको सब कुछ गाइड कर देंगे, वीडियो ट्यूटोरियल ऑलरेडी बना हुआ है और वो आपको सब सेंड कर देंगे, ठीक है। फुल गाइड आपको मिलेगा ही, आपको सब कुछ बताया जाएगा, और जब आपका पेमेंट आएगा तो हमारी तरफ से पूरी आपको सपोर्ट की जाएगी कि आप लोग अपना पेमेंट ज़रूर निकाल लें। पेमेंट का बात रहा तो आप लोग उसको ले सकते हैं बैंक अकाउंट में या फिर अपने पेपाल अकाउंट में आराम से ले सकते हैं, ठीक है। तो आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा। यूनिटी एड्स पे मैंने रेवेन्यू का सिस्टम बता दिया, कैसे अर्निंग करना है ये बता दिया, यूनिटी एड्स क्या है इसको भी मैंने बता दिया, एड नेटवर्क क्या होता है इसको भी मैंने बता दिया, यूनिटी एड्स को ही क्यों चुने इसको भी मैंने बता ही दिया, ठीक है, क्योंकि ई CPM काफ़ी अच्छा रहता है और ये बहुत सारे फीचर्स हैं, ठीक है। तो वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करना चाहता, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा होगा तो आप लोग को ये मज़ा नहीं आएगा, लॉन्ग टाइम तक कंटिन्यूस फोकस आप लोग भी नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए और प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को। तो मिलते हैं एक नए फ्रेश वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।